नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई से रिलेटेड न्यूज़ है और आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा था ठीक ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है होता हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यूपीएसआई से रिलेटेड न्यूज़ है और यूपीएसआई 2020 और 21 के बारे में जानेंगे और तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2011-12 के जो आपके दरोगा हैं इनका प्रमोशन जो इंस्पेक्टर हो रहा है, कई लोग जो है चौकी इंचार्ज और एसओ तक रह चुके हैं ये बैच के। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बताया, दरोगाओं की पदोन्नति पर 6 हफ्ते में ले निर्णय। ये कौन बता रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DIG स्थापना लखनऊ को यूपी के विभिन्न जिलों में तैनात 2012 बैच के दरोगाओं की इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने की मांग पर 6 हफ्ता यानी 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। यानी दोस्तों अब मैं बता रहा था आपको कि यूपीएसआई का जो है आपका जो वैकेंसी है, मेरे हिसाब से मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि अगस्त तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण और भी जो कारण है, बहुत सारे और भी कारण है उसके कारण इनको पदोन्नति जो है थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका वैकेंसी के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं कि 2020-21 वाली जो वैकेंसी है यूपीएसआई की वो कब तक आ सकती है, तो देखिए दोस्तों ये आपका 2020 के दिसंबर में यानी दिसंबर महीने तक आपको देखने को मिलेगी या फिर 2021 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। और क्राइम ब्रांच में भी कुछ लोग हैं, उनका भी प्रमोशन हुआ है, वो भी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कुछ लोग का प्रमोशन जो है अभी ये वाला बाकी है, अभी ये प्रमोशन धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पर 6 हफ्ते में निर्णय लेना है, यानी दोस्तों यहाँ पर ठीक ठीक मैं बता दूँ तो दिसंबर तक या फिर जो है 2021 के स्टार्टिंग में जो यूपीएसआई जो है करेंट वाला जो है आपका लेटेस्ट जो है ये आ सकता है और ये 9,000-9,500 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तैयार हो जाइए, हिंदी आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन मिलेंगे 100 नंबर के, रीजनिंग जो है ये भी आपका 40 क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आपका 100 नंबर का होगा, मैथ जो है ये भी आपका 40 क्वेश्चन मिलेगा और 100 नंबर का होगा, जीएस में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मूल विधि रहेगा और जीएस मिला करके आपका 40 क्वेश्चन, ये भी आपका 100 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का पेपर है और 21 से लेकर 28 साल तक के जो हैं वो भर सकते हैं, साथ साथ जो आरक्षण वाले हैं वो आपका 5 साल का छूट है यानी 33 साल तक भर सकते हैं और जो है स्नातक केवल चाहिए और कुछ नहीं है, स्नातक आपका चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग स्नातक जो है विज्ञान वर्ग से हैं यानी साइंस की हैं वो लोग जो है फायर वाला पोस्ट भी पा सकते हैं। कब तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो जैसा कि हर चीज़ दिखाई दे रहा है 2022 से पहले जो है आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो लेखपाल हो, लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी या फिर यूपीएसआई की जो वैकेंसी आएगी, ये सब कुछ ठीक रहा तो 2022 से पहले जो है आप सभी लोग दरोगा बन जाएंगे अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करेंगे तो, क्योंकि चुनाव में यही होता है कि जो है सिलेक्शन दिए रहेंगे तो जो उनके पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए सब खुश रहते हैं, तो वहाँ पर वोटिंग काफ़ी अच्छी खासी में प्रभाव पड़ जाता है और वोटिंग काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट न्यूज़ थी दरोगाओं से संबंधित मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तैयार रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।